अपने पूरे परिवार के साथ देखिए पैडमैन की कहानी. डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द Z5 ऐप राइट नाउ. आखिर विनायक को हो क्या गया है? आज पूरा दिन कमरे से बाहर भी नहीं निकले हैं जना, और कह रहा था कि उसकी जिंदगी में प्यार ही नहीं बचा. कुछ तो चक्कर है, पता लगाना पड़ेगा मंजरी. रिद्धि बेटा, तू वहां क्यों खड़ी है? आना, तूने ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या बात है? माँ, ये देखिए. जान को अब इन लोगों से कोई खतरा नहीं है. लेकिन तू इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती है? ये मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि अब मेरे पास इन लोगों के खिलाफ सबूत है, और ये बात ये लोग अच्छे से जानते हैं कि इनकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है. तो फिर वो सबूत तूने पुलिस को क्यों नहीं दिए? क्योंकि माँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस घर को कभी टूटने नहीं दूंगी. घर टूट चुका है रिद्धि, सब बिखर चुका है. ऐसी हरकत करने के बाद तो प्लीज संभालिए अपने आप को. माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. आप भरोसा रखिए मुझ पर. और माँ, आज आपको मुझे एक वादा करना होगा. इस बात का जिक्र आप अपने आप से भी कभी नहीं करेंगे, और ये रहस्य हम दोनों के अलावा किसी और को नहीं पता चलना चाहिए. ठीक है, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी, किसी से नहीं. पर माँ, चिंता की बात यह है कि कोई विंसर की जान लेना चाहता है, और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है उस SD कॉटेज वाली आग, फिर वो ट्रक से हुआ एक्सीडेंट, उस दिन प्रमोशन वाले दिन हुई फायरिंग, और लक्ष्मी का मर्डर. अगर इन सब चीजों के पीछे इन तीनों का हाथ नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है. ये सब कितना खतरनाक होता जा रहा है. अगर मेरे विनायक को कुछ हो गया ना तो मैं तो जीती जी मर जाऊंगी. नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. आप बस ये समझ लीजिए कि आपकी बेटी की जिंदगी में मैं ढाल बनकर आई. कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे, ये मेरा वादा है आपसे.